की शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा वीडियो है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक। लास्ट जब मैंने फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक में इजी मल्टीप्लीकेशन बाय 999 और 999 बताया था, तो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैम 3-डिजिट मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक बताइए। तो आज का वीडियो है 3-डिजिट मल्टीप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिक ट्रिक। सो टुडेज़ टॉपिक इज 3-डिजिट मल्टीप्लीकेशन। लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था, मैम ये तो 2 डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का है विद 99। अब आप हमें 3-डिजिट बाय 3-डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बताइए। तो आज की ट्रिक वही है, लेकिन इस ट्रिक में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप नंबर देखते ही बस आंसर दे देंगे। यू विल बी द मास्टर ऑफ नंबर्स। नाउ लेट्स सी द ट्रिक क्या है। सपोज कीजिए ये 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स है, आपको इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो यू हैव टू गो थ्रू 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स हैं। क्या आप इतने बड़े बड़े मोबाइल नंबर्स याद रखते हैं? जरा एक चीज याद रख लीजिएगा, बस नंबर ही है। देखिए 2, 4, 2 और 4, 6, 4, 2, बस इतना याद रख लो, हो गया काम। अब देखो ये 2 क्या है, मतलब आपको इन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। इधर से शुरू करेंगे इन 2 नंबर्स की। अब ये 4 क्या है, 4 देखिए फिर से ये 3 नंबर है और इसमें से 4 मतलब 4 नंबर्स की मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे। समझ गए क्या है ये 2, 4, 6, 4, 2। अब 6 क्या है, देखो 6 देखिए, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, सबको ऐड करेंगे आपको 3rd स्टेप का आंसर मिल जाएगा। अभी मैं करके भी बताऊंगी, पहले ये समझ लो। ये समझ लिया तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ सी दिस, फोर नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में इसकी इससे दोनों को ऐड कर देंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगी, डोंट पैनिक, जल्दी नहीं करो, ध्यान से ट्रिक देखना, बहुत इजी है, फिर कभी गलती नहीं होगी। और कितना ही बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो आप विद इन सेकेंड में आंसर बता देंगे। देखिए फिर से देखो, पहले इन 2 की मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे प्लस इसकी इससे, फिर 6 6 नंबर की मल्टीप्लाई है, इसकी इससे, इसकी इसके, इसकी इससे, सबको ऐड भी करना है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया। फिर 4th 4 नंबर की, 4th स्टेप में इसकी इससे प्लस इसकी इससे, फिर लास्ट स्टेप में इसकी इससे मल्टीप्लाई। ये तो एक जनरलाइज पैटर्न हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ सी दिस एग्जाम्पल बाय दिस मेथड, बहुत मजा आएगा, देखो ध्यान से। ये वैदिक मैथमेटिक्स की भी एक फॉर्म है, ध्यान से देखो, कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, उनके लिए भी एक अल्टीमेट ट्रिक है। देखिए नाउ फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई, कौन से 2, दिस दिस, ध्यान से देखना इन दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6 3 18, यस वेरी गुड। नाउ 18 का 8 ये आ गया और 1 यहाँ पर कैरी में आ जाएगा, समझ गए, ये कैरी बॉक्स है, कैरी में बॉक्स में लिखूंगी, ठीक, कंफ्यूज मत होना। नाउ पहला स्टेप कर दिया, ठीक। नाउ अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या है, 4 नंबर्स की मल्टीप्लाई है, इसकी इससे, इसकी इससे, समझ रहे हो ना, इसकी इससे, इसकी इससे, और ऐड भी करना है। देखो अब मैं लिख रही हूँ जरा, इसकी इससे कैसे, 2 6 12, 3 2 6, जरा ऐड करो सबको, क्या होगा, 6 7 8 9, और 1 ये आ गया, 19 आ गया, 9 यहाँ लिखा, 1 फिर से कैरी में चला जाएगा, चला गया कैरी, चला गया। नाउ थर्ड स्टेप में देखो, 6 6 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, देखो
इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, एरो पे ध्यान दो। ये अगर डिटेल में समझ लिया फिर आप देखना कितनी जल्दी आंसर निकालोगे। देखो 1 6 6, 3 2 6, 2 2 4, ऐड करो जरा सबको, 10 16 17 का ये आ गया 17। नाउ 7 यहां लिखोगे और 1 फिर कहां चला जाएगा, कैरी में। ये रब कर रही हूं मैं, 17 का 7 ये लिख दिया, 1 कहां चला गया, कैरी में। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप तक कर लिया है। नाउ सी फोर्थ स्टेप, फोर्थ बताओ जरा सब बताओ क्या होगा फोर्थ में। फोर्थ में इन दोनों नंबर, इन चारों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। देखो इसकी इससे और इसकी इससे क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, क्या आएगा, ऐड करो 4 5 6 7। नो कैरी, कोई कैरी नहीं आया, कोई बात नहीं। अब लास्ट स्टेप देखो क्या है, लास्ट स्टेप में क्या है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, 1 2 2। आई होप आप समझ गए, दिस इज द आंसर। 5 स्टेप है बस, आप माइंड में कर लेंगे, 4-5 आप प्रैक्टिस कीजिए माइंड में, आप दिन 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 करके और फटाफट आंसर लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी दिस, किसी व्यूअर ने मुझसे इस स्पेसिफिक नंबर के लिए ट्रिक मांगी थी, उनके लिए ये ट्रिक। आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल टेक योर रिक्वेस्ट ऑल्सो। नाउ सी दिस, इसको इसी मेथड से करते हैं, देखिए कैसे होगा। पहले फर्स्ट स्टेप में इसकी इससे मल्टीप्लाई, देखो इस नंबर की इससे क्या आएगा, 6 5 30, 30 का 0 ये आ गया और 3 कहां जाएगा, कैरी में जाएगा। ठीक है, नाउ सी दिस, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे। सेकेंड स्टेप में देखो इसकी इससे, इसकी इससे क्या होगा, 4 5 20, 6 6 36, ऐड करो 6 7 8 9 59, 59 का 9 यहाँ आया, 5 फिर कहाँ जाएगा, कैरी में। आई होप आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। देखो कितने बड़ा नंबर का कैलकुलेशन है और कितनी आसानी से आप कर लेंगे। नाउ थर्ड स्टेप देखिए, इसकी इससे, इसकी इससे और मिडिल वालों की मिडिल वालों से, देखो कितना आसान है। 5 8 40, 7 6 42, 6 4 24, 5 4 5 6 और 5 11, 11 का 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ आया, 4 4 8 9 10 11, 1 1 1। अब क्या करेंगे मैम, यहाँ पर एक ही डिजिट लिखोगे और कैरी में क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर एक ही डिजिट लिखोगे, बाकी 2 डिजिट बचती हैं या 1 बचती है वो कैरी में चली जाएगी। ठीक है, नाउ सी द फिफ्थ स्टेप, इसकी इससे, इसकी इससे, देखो 8 6 48, 7 4 28, करो जरा इनको ऐड करो, ऐड करो, और ये कैरी इसके ऊपर है लास्ट वाले के ऊपर, देखो 8 8 16, 16 प्लस 11 27, 7 का 2 यहाँ आया, 4 5 6 7 8, 87 का 7 ये आ गया और 8 कहाँ चला गया, कैरी में। Now see the next, last step, first वाले दो numbers की multiply, मतलब इसकी इससे multiply, 7 8 56, 56 plus 8 क्या होगा, 64। अब ये दोनों number लिख दो यहाँ पर, 64, जरा check कर लो answer यही आएगा। देखो कितने अच्छे से, कितनी आसानी से answer आ गया। आप मेरी बात मानो, 4 सम्स इस मेथड से प्रैक्टिस करो, फिर आप देखना अपनी कैलकुलेशन स्पीड, आप नंबर देखते ही टिक 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 फटाक से आंसर बता दोगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब आप सब लोग एक पेपर और पेन ले ले और मेरे साथ साथ या मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा आपको और आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से आ जाएगी, फिर कभी गलती नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन में। चलिए शुरू करते हैं।
देखते हैं कौन पहले करेगा, आप या मैम। ठीक है, नाउ सी दिस फर्स्ट स्टेप, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 3 15, 5 यहाँ आया, 1 कहाँ गया, कैरी में। सेकेंड स्टेप देखो किसका हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। नाउ 4 3 12, 5 4 20, सी 2 प्लस 1 3 3, 33 आया, 33 का 3 आ गया और 3 कहाँ चला गया, कैरी में, कैरी बॉक्स में लिखना वरना गलती नहीं होगी कभी। नाउ सी द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में 6 नंबर्स लेते हैं, सारे के सारे नंबर्स, कौन पहुंच गया थर्ड तक, 3 2 6, 5 5 25, 4 4 16, जरा सब ऐड करो फटाफट से, देखो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 18 19 20, 0 का 2 यहाँ आया, 2 2 4 50, ये आया 50। अब 50 का आप क्या करोगे, 0 यहाँ लिखोगे और 5 चला गया कैरी में, यस वेरी गुड, सबको आ गया है। नाउ सी द फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या है, पहले के 4 नंबर, पहले 4, दिस, नाउ सी 4 2 8, 5 4 20, 3 का 1 यहाँ आया, 33, फिर से आ गया 33। नाउ 33 का 3 यहाँ लिखो और 3 चला गया कैरी में, यस। नाउ लास्ट स्टेप, कौन फर्स्ट आ रहा है, मैम या आप लोग, 5 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 पूरा लिखेंगे, दिस इज द आंसर, आई एम फर्स्ट। अरे आप लोगों ने कर भी लिया, गुड, सबको ट्रिक आ गई है, ये है इतनी अल्टीमेट ट्रिक। अब आप देखिएगा 4-5 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, मैं देती हूँ 2 असेसमेंट, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं असेसमेंट क्वेश्चन पे, नाउ सी द असेसमेंट क्वेश्चन, इन पे ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम आए तो भी बताइए, मैम विल टेल यू द सॉल्यूशन। अब आपको अगर कोई और भी ट्रिक चाहिए तो मुझे बताइएगा, या कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइएगा। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू अल्टीमेट ट्रिक फॉर 3-डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड गिवन यू असेसमेंट, कंप्लीट द असेसमेंट एंड कमेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय, हैप्पी लर्निंग। Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.